भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने जिला मुख्यालय नाहन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए एनपीएस कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि संघ ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि पुरानी पेंशन बहाली पर कोई भी वित्तीय बोझ आम जनता व सरकार पर नहीं पड़ेगा और ऐसा आश्वासन वे मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं। एनपीएस कर्मचारी संघ ने कहा कि संघ मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बात लाना चाहता है कि 3 मार्च की शिमला रैली केवल इसी बात को लेकर थी कि कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर लाखों कर्मचारियों की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहते थे और सभी मुख्यमंत्री से मिलकर उनके विचार सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन कर्मचारियों तक नहीं पहुँचा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में मौजूद हैं या फिर वहां से चले गए हैं, अन्यथा कर्मचारी शाम से पहले ही उठकर वहां से चले जाते। साथ ही कर्मचारियों तक ये बात भी नहीं पहुंची कि मुख्यमंत्री उनसे मिलना नहीं चाहते। ऐसा कोई भी संदेश कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि कर्मचारी वहां देर रात तक डटे रहे। सुरेंद्र पुनीर ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री के बिना किसी संदेश के ही पुलिस विभाग ने कर्मचारियों को घसीट घसीट कर वहां से ले गए। साथ ही सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बावजूद भी कर्मचारियों पर FIR दर्ज की गई, लेकिन अब भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि वार्ता के सिलसिले को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार में ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी हो जाएगी। दो चीजों पर ध्यान लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आम लोगों को हम इस बात के लिए ऊपर एश्योर करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जो हम मांग कर रहे हैं उसके बारे में किसी भी भ्रम में ना रहें कि कोई वित्तीय बोझ आप लोगों या हिमाचल सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसी एश्योरेंस हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे चुके हैं और फिर भी दे रहे हैं। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यानार्थ इस बात को लाना चाहते हैं कि 3 तारीख का जो हमारा मार्च था, जो प्रदर्शन था, वो सिर्फ इस बात के लिए ही था कि हम शारीरिक उपस्थिति से फिजिकल प्रेजेंस के साथ इतने लोगों का दुख तकलीफ आपके ध्यानार्थ लाना चाहते थे और सभी लोग आपके आशीष बच्चनों के लिए वहां पे तत्पर थे, वहां बैठे थे। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन हम लोगों तक नहीं पहुंचा कि आप विधानसभा में हैं या चले गए हैं, अन्यथा शायद शाम को भी उस समय से पहले हम वहां से उठकर के निकल जाते। अगर हमें नकारात्मक सोच आपकी ओर से अप्रोच आई होती कि माननीय मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहते, ऐसा कोई भी संदेश हम तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम देर रात तक इंतजार करते रहे और दुख इस बात का जरूर हुआ कि हमें बिना संदेश के ही, बिना माननीय मुख्यमंत्री के संदेश के ही वहां से घसीट करके पुलिस लोगों द्वारा ले जाया गया। और अब सबसे दुखद बात यह है कि इतने बड़े जुलूस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने के बाद भी फिर FIR लॉज की गई, फिर हमारे कर्मचारियों को परेशान किया गया, इवन दूध पिलाती हुई माओं को परेशान किया गया, अपन कर्मचारियों को भी FIR लॉज की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो ऐसे ना थे, आपसे ऐसी अपेक्षा ना कर्मचारियों की थी ना हिमाचल प्रदेश के नागरिकों, अब भी है। हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने विभाग को प्लीज आदेश करें कि इस प्रकार के केसेस को विड्रॉ किया जाए, इस प्रकार के केसेस को निरस्त किया जाए और वार्ता को जो आपने वार्तालाप जो धर्मशाला से शुरू की गई है, निसंदेह उस वार्ता को कंटिन्यू रखा जाए। हम आप ही से निवेदन करते हैं कि आप ही की सरकार में, आप ही के समय में पुरानी पेंशन की बहाली हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी, ऐसा हमें आश्वासन भी है और आपसे हम निवेदन भी करना चाहते हैं। हिमाचल दस्तक WPB के लिए नाहन से शैलेश सैनी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।